टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस में खुशी की लहर है। तो वहीं विपक्ष कांग्रेस के इस निर्णय को चुनाव में हार से बचने का उपाय बता रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि महाराजा सिंहदेव को 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने का वादा था, उन्हें महज 4 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाए जाना टीएस सिंहदेव का अपमान है। साथ ही साव ने कहा कि उप मुख्यमंत्री बनाना राज्यपाल और मुख्यमंत्री का अधिकार है, न कि कांग्रेस का। चलाचली की बेला में कांग्रेस ने अपने अंतर्कलह को मिटाने का यह प्रयास किया है, लेकिन जनता अब समझ चुकी है कांग्रेस की नैया को डूबने से अब बचाना नामुमकिन है। पहली बात तो यह है कि ये जो आदेश निकला है कांग्रेस पार्टी ने निकाला है, कांग्रेस पार्टी को उप मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है नहीं, ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इसका अधिकार है। दूसरी बात ये मुझे लगता है कि जिस टीएस सिंहदेव जी से कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का, आखिरी 4 महीने में चला चली के बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है। ये मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का ये अपमान है। और तीसरी बात ये है कि जिस तरह से चला चली की बेला में ये उप मुख्यमंत्री बना के कांग्रेस के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं उस झगड़े से निपटने का प्रयास हुआ है, निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी आज डरी हुई है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस के लिए आक्रोश है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, जिस प्रकार से शराब घोटाला, कोयला घोटाला उजागर हुआ है, विकास के सारे काम ठप हुए हैं, और जनता में जो आक्रोश है वो उससे कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल घबराए हुए हैं और इसलिए इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा है। क्या इससे 2023 के चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्या लगता है? बिल्कुल भी किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ से आउट करने का निर्णय तय कर रखा है, इसलिए इस प्रयास से